एनिवर्सरी पे पापा ने जाना थैंक यू बेटा मेरे पापा ने बुलवाई थी। जी। थैंक ठीक है, हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे हाथों में गजरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह। पहन के रखा करो। अच्छे लग रहे हैं आपको, ये अभी ताबिश लाए मेरे लिए। एक बात बताऊं बेटा आपको, आपकी मामा को भी गजरों का बहुत शौक था, बहुत जिद करके मंगवाती थी मुझसे ये। क्या हो गया आपको, याद है अभी तक आपको? वाकई मम्मी? मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन तुम्हारी दादी को इनसे एलर्जी थी, उन्हें पसंद नहीं थे तो इसलिए पहनती नहीं थी मैं। अम्मी के इंतकाल को 20 साल हो गए, लेकिन आप अब तक उनकी कोई बात भूली नहीं है। जाहिर है मैं भूल थोड़ी सकती हूँ उनकी बातों को। चले कोई बात नहीं, अगली बार ताबिश मेरे लिए गजरे लाएंगे ना तो मैं उनको कहूंगी मामा के लिए लाजमी लाएं। नहीं, तुम्हारे हाथों में अच्छे लगते हैं, तुम पहना करो। मामा अपना हाथ लाए। क्या हो गया है? अरे तुम्हारे हाथ में अच्छे लग रही बेटा। लेकिन मुझे आप पर ज्यादा अच्छी लग रही, पहने। कौसर पहन लेना, जब बेटी इतने प्यार से पहना रही है तो पहन लीजिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू बेटा। मेरे पास हेलो हेलो जी, मिस एरिश। जी सर, सब खैरियत? एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, शायद मैं ऑफिस भी ना आ सकूं। आप एक काम करें, आरिफ एंटरप्राइज की फाइल ताहिर साहब के साथ घर ही भेज दें, और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ अटैच कर देना, मैं घर पे स्टडी कर लूँगा। जी सर। सर एक्चुअली वो ताहिर साहब तो किसी काम से डिलीवरी के लिए बाहर गए हुए हैं, और मैंने आपको आरिफ एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ बताना था टेंडर से रिलेटेड, अच्छा तो सर अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आ जाऊं, आपको फाइल्स भी दे दूंगी और टेंडर भी डिस्कस कर लेंगे। श्योर, ठीक है, आते हैं आप। जी सर, आई विल सी यू विद इन एन आवर।